गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग मनी चैप्टर में ये जानेंगे कि किस तरह से रुपीज और पैसे एक साथ लिखे जाते हैं। हाउ टू राइट रुपीज एंड पैसे टुगेदर। ये हम लोग जानेंगे कि रुपीज एंड पैसे एक साथ कैसे लिखे जाते हैं। क्या है सबसे पहले, इन शॉर्ट वी डिनोट रुपीज एज, शॉर्ट फॉर्म में हम रुपीज को इस तरह से लिखते हैं। ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में ही बता दिया था कि शॉर्ट फॉर्म में रुपीज को कैसे लिखते हैं, इस तरह से। सपोज वी हैव टू राइट एग्जांपल टू रुपीज एंड 50 पैसे टुगेदर। सपोज करो कि हम लोगों को 2 रुपीज एंड 50 पैसे एक साथ लिखना है। क्या करना है, एक साथ लिखना है, तो क्या करेंगे हम लोग, हम लोग लिखेंगे 2 रुपीज का सिंबल क्या होता है, ऐसा 2 रुपीज 50 पैसे का मतलब इस तरह से बीच में डेसिमल का सिंबल दे करके इस तरह से लिखेंगे। तो क्या हुआ, 2 रुपीज एंड 50 पैसे। रुपीज का सिंबल 2 से आगे लिखा है, 2 के बाद डेसिमल का सिंबल लगाए और उसके बाद 50 पैसे लिखे थे। क्या हुआ, 2 रुपीज 50 पैसे। वी पुट अ डॉट और अ पॉइंट इन बिटवीन रुपीज एंड पैसे। हम लोगों को क्या करना है, डॉट या पॉइंट रुपीज या पैसे के बीच में पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है एक साथ रुपीज एंड पैसा लिखने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, 7 रुपीज 25 पैसे। 7 रुपीज को 25 पैसे कैसे लिखेंगे, 7 क्या करना है, रुपीज और पैसे के बीच में डॉट या फिर पॉइंटिंग लगाना है। लगा दिए, कितना पैसा है, 25। ये हमारा क्या हो गया, 7 रुपीज 25 पैसे। क्या हमने लिख दिया, 7 रुपीज 25 पैसे। अब नेक्स्ट देखिए, वर्क रुपीज एस। हम लोगों को 1 रुपीज लिखना है, यानी इसमें कुछ भी पैसा नहीं है, रुपीज 1 0 0 पैसा। डॉट और पॉइंट लगाना है ना रुपीज और पैसे के बीच में, तो हम लोग क्या करना है, सिर्फ 1 रुपीज लिखना है। क्या करना है, सिर्फ 1 रुपीज लिखना है। क्या करना है, सिर्फ 1 रुपीज लिखना है, रुपीज 1 और पैसा कुछ भी नहीं है, डॉट के बाद 0 0 पैसा। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपीज 1। ये आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। अब देखिए, द फिगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट इज द नंबर ऑफ रुपीज एंड द फिगर ऑन द राइट ऑफ द पॉइंट इज द नंबर ऑफ पैसे। क्या है, द फिगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट, यानी ये जो लेफ्ट है पॉइंट से लेफ्ट, ये क्या है, ये पैसा है। द फिगर ऑफ द राइट ऑफ द पॉइंट, सॉरी ये रुपीज है, लेफ्ट जो है पॉइंट से लेफ्ट जो है, ये फिगर लिखा हुआ, ये नंबर लिखा हुआ, ये क्या है, ये रुपीज है। और ये जो पॉइंट के राइट है, ये क्या है, ये हमारा पैसा है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट से लेफ्ट जो भी डिजिट होगा वो क्या होगा, हमारा रुपीज होगा, और पॉइंट से राइट जो भी डिजिट होगा वो क्या होगा, हमारा पैसा होगा। क्या होगा, पैसा होगा। अगर हमें वर्ड में लिखना हो और फिगर में रुपीज और पैसे को लिखना हो, कैसे लिखो, देखिए, इन वर्ड 6 रुपीज 40 पैसे। ये क्या हुआ, ये हमारा वर्ड में हुआ। क्या हुआ, ये हमारा वर्ड में हुआ। अगर इसी को फिगर में लिखना हो या फिर शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, तो हम लोग क्या करेंगे,
300 लगभग क्या है, सेम आंसर आया। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ माइनस। थैंक यू।